अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, करते ही होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख करम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमतें नेमतें और बरकतों से नवाजा है। और आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में चिकन के रोल, ठीक है जी। तो मैं उसके लिए पहले पूरी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने लिया था मैदा, 3 कटोरी मैंने मैदा लिया था, ये कटोरी, ठीक है। और 1 कटोरी मैंने चक्की का आटा जो कि छान लिया था ताकि उसमें कोई सुरसुरी या कोई कीड़ा वगैरह ना हो, ठीक है जी। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है तेल, और हम डालेंगे हसबे नमक, हसबे ज़रूरत नमक, ठीक है जी। और इसको हम भूनेंगे नीम गर्म पानी से, जो कि मैंने नीम गर्म पानी किया हुआ था, देखिए मैं दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो मैं इसको भून लूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने भून लिया है नीम गर्म, यहाँ पे हमने घोल लिया है नीम गरम पानी से, आप देख सकते हैं पूरियों का आटा, ठीक है जी। अब इसको हम कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ढक के रख देंगे, ठीक है जी। अब मैं क्रीम लूँगी और मैं पेस्ट बना लूँगी जो कि मुझे फिलिंग करना है रोल के अंदर की। यहाँ पे मैंने क्रीम ली है, ठीक है जी, दिख रही होगी क्रीम। यहाँ पे मैंने हरा धनिया और जो हदों तक हरी मिर्ची ली थी इसको मैंने अच्छे से कर लिया है इस पर, ठीक है जी। मोटा मोटा थोड़ा देखिए ऐसा हो, उसका जायका अच्छा आता है। ग्राइंड करने में तो ग्राइंड हो जाता है, लेकिन ये कितना मोटा मोटा नहीं चाहिए, सॉरी बारीक बारीक नहीं चाहिए मुझे, इतना थिक चाहिए, ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे मायोनीस, ठीक है जी, कोई भी ले सकते हैं आप। नमक, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर अब इसमें डालूंगा। इसमें डाला नमक, ठीक है जी। चिकन में मैंने नमक नहीं डाला था क्योंकि पैकेट में ऑलरेडी नमक होता है, कम लगेगा। तो हम अभी मसाला जब उसका टेस्ट करेंगे तो फिर डालेंगे। ये हमने डाल दिए, ठीक है जी, अपने सारे मसाले, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, धनिया और हरी मिर्चें, मायोनीज और क्रीम, ठीक है। क्रीम नहीं तो आप दही भी ले सकते हैं, लेकिन क्रीम से ये कि अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाएगा। हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको फॉरगेट कर रही थी दो अदर चीज़ें बताना, ठीक है जी। कोई भी आप ओरिगानो ले सकते हैं, ठीक है जी, ओरिगानो डालेगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है, और कुटी हुई मिर्च, ठीक है जी। ये दो मैं मसाले भी थी बताना, तो साइड में रखे थे, जो कि मैंने सिर्फ मसाले जो है मसाले जार सिर्फ घर के यूज कर ली जाएंगे, ठीक है जी। ये मैं पैकेट का यूज़ कर रही हूँ, कोई इतना इशू नहीं होता है। अगर आपको पैकेट नहीं है तो आप घर के मसाले यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें लेमन चला जाएगा, ठीक है जी। लहसुन अदरक डाल देंगे हम इसके अंदर, ठीक है जी। लहसुन अदरक डाला है हमने थोड़ा, और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बारबेक्यू सॉस, ठीक है जी। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अच्छे से इसको मैरिनेट करने के लिए हाथों का यूज़ करेंगे, आप लोग चम्मच का भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि हाथ से अच्छे से मैरिनेट होता है। चले जी, ये मैरिनेट हो चुका है, इसको हम रख देंगे अब, ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट्स में अभी ये रख दूँगी। दे देते हैं इसको रेस्ट, ताकि हमारी ये जो मसाले हैं जैसे चिकन में रस बन जाए, रस मिस जाए। पैन लिया हमने, पैन में हमने तेल डाला, तेल अच्छा सा गुनगुना हो चुका है, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे, ठीक है जी। हल्की आँच हम रखेंगे
और उसको हल्की आँच में हम ऐसा रखेंगे कि हमारी चिकन गल जाए। ये चिकन एक भाप में गल जाती है, ठीक है जी। तो पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 से 2 चम्मच क्रीम डाल देंगे। असल में एक हाथ से निकल गई, ठीक है जी। 1 चम्मच डाल दें आप, 2 चम्मच डाल दें मैंने यहाँ पे, 2 छोटे छोटे चम्मच डाल दें, ठीक है जी। मिक्स करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट, पेस्ट हो चुका है हमारा, ठीक है जी। चिकन हमारी गल चुकी है और अब हमने बनानी है पूरियाँ, ठीक है जी। किनारियाँ होती हैं ना ये बड़ी मोटी मोटी होती हैं, एक हाथ से बड़ी बना लें, लेकिन मैंने उसे भी छोटी बनाई है। 2 छोटी छोटी बनाऊंगी बच्चों के लिए, 2 छोटे छोटे रोल देख सकते हैं आप। चलो जी और बनाते हैं इस तरीके से सारी पूरियाँ जी, तरह की से बाकी सारी पूरियाँ बनाते हैं। यहाँ पे हमने पूरी ली, ठीक है जी। पूरी पे हमने अच्छे से टेस्ट बनाया जो वो लगाया था, ठीक है जी। अच्छे से हमने ये अच्छे से मैंने पेस्ट लगा दिया, ठीक है जी। अब हम इसमें रखेंगे अपनी रोटी, असल में एक हाथ से मैं ऐसे बोल नहीं रहा, मैं फोल्ड करती हूँ जी। इसको ऐसे बस फोल्ड करेंगे और फिर हम खाएंगे। चलिए जी, इस तरीके से मैं सारे रोल बना लेते हैं अपने, देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है, देखिए मज़े का। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।